एक रात जब मैं नशे में धुत होके छोड़ जाने वाले की बेवफाई पर रो रहा था, तब मुझे एक लड़की का मैसेज आया। लिखा था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे रूटीन में ऐसे मैसेजेस आते रहते थे। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हकीकत में मबनी दर्द पर लिखी दास्तानों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिलों में मेरे लिए हमदर्दी थी और वो लोग मुझे मैसेजेस करते रहते थे। पर मुझे हमदर्दी से नफरत होने की वजह से मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया था। उस लड़की के मैसेजेस बार बार आने लगे तो मैंने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और सो गया। अगले दिन मैं शाम के 7 बजे जब नींद से उठा तो और अपना मोबाइल ऑन किया तो उस लड़की के कोई 200 मैसेजेस आए हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे कॉल मिला थी। उसके कॉल अटेंड करते ही मैंने उसकी खूब इंसल्ट की और कॉल बंद करके उसे ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर में ही मुझे एक और रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई। मैंने अटेंड की तो एक लड़की ने मुझे भाई बोलते हुए कहा कि मैं नूर की बहन बात कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि कौन नूर। वो कहने लगी कि वही नूर जिसने सोशल मीडिया पे आपकी स्टोरी पढ़कर पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया, वही नूर जो पिछले 7 दिनों से लगातार रोई जा रही है, वही नूर जो पिछले 7 दिनों से सोई नहीं, वही नूर जिसकी कुछ देर पहले आपने इंसल्ट की है। मैंने इतना सुनते ही कॉल बंद कर दी और वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। रात को जब मैं फिर से नशे में धुत हुआ तो मुझे अजीब ख्याल आने लगे और एक अजीब सी बेचैनी होने लगी कि आखिर ये नूर लड़की है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। तजस्सुस इतना बढ़ गया कि मैंने उसे अनब्लॉक किया और कॉल कर दी। कॉल उसकी बहन ने अटेंड की। मेरे हेलो करते ही मुझे कहने लगी कि अगर नूर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने भी उससे गुस्से में बात करते हुए पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो वो रोते हुए कहने लगी कि नूर को पता नहीं क्या हो गया है, उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा, हम सब उसे अस्पताल लेकर आए हुए हैं। मैंने जब अस्पताल का एड्रेस पूछा तो अस्पताल मेरे घर से 6 घंटे की ड्राइव पर था। मैंने एक दोस्त को कॉल की कि हमें इस्लामाबाद जाना है। मेरा दोस्त आ गया और हम रात के 2 बजे इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। हम सुबह के 8 बजे इस्लामाबाद के अस्पताल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मेरी मुलाकात नूर की बहन से हुई। उसने बताया कि नूर को 104 पर बुखार है और उसे अभी तक होश नहीं आ रहा। फिर उसकी बहन ने जो मुझे नूर के बारे में बताया वो सुनकर तो मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। नूर की बहन ने मुझे बताया कि हमारे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। नूर को उनकी मौत का सदमा बहुत गहरा लगा। एक दिन मैं नूर को खाना देने के लिए उसके कमरे में गई और अचानक से नूर मुझ पर चीखने लगी। वो कहने लगी कि यहाँ से चली जाओ और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं और मेरे मामू नूर को अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर पता चला कि नूर एक दिमागी मर्ज में मुबतला है। ये एक ऐसा मर्ज है जिससे इंसानी सोच, एहसासात और मुतासिर होते हैं। पर हमें लगा कि बस ये माँ बाप की मौत का सदमा है और कुछ ही दिनों में नूर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम नूर को घर वापस ले आए, लेकिन नूर की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि नूर खुदकुशी करने की कोशिशें करने लगी। हम नूर को फौरन माहिर नफ्सियात के पास ले गए। उन्होंने बताया कि दीगर अमराज की तरह इस मर्ज़ का इलाज भी अद्वियात और थेरेपी से किया जा सकता है, पर बिना इलाज के नूर की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। अगर मज़ीद देर हो गई तो नूर को पागल खाने भी भेजना पड़ सकता है। तो हमने फौरन नूर का ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। 2 साल के मुश्किल तरीन वक्त के बाद नूर बिल्कुल ठीक होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी। नूर ने बहुत सारे नावल भी लिखे हैं और शेर व शायरी का शौक़ भी रखती है। पर जब से नूर ने आपकी कहानी पढ़ी है, पर तब से उसको इस दिमागी मर्ज़ का दोबारा अटैक आने लगा है। नूर की बहन की बात मुकम्मल होते ही मुझे खबर मिली कि नूर को होश आ गया है और उसकी बहन नूर की तरफ भाग गई।
मैं भी उसके पास जाना चाहता था, पर मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया। वो मुझे कहने लगा कि नूर तो पागल लड़की है, हमें उसे क्या लेना देना, चलो हम घर चलते हैं। मैंने अपने दोस्त से बोला कि अरे यार, मैं कौन सा नॉर्मल हूँ, मैं भी तो इतना पागल हो चुका हूँ कि किसी का कम बुलाने के लिए नशे का सहारा ले रहा हूँ। बस इतना कहकर मैं नूर से मिलने चला गया। नूर मुझे देखते ही उठकर बैठ गई, उसकी खुशी की वो इंतहा ही नहीं थी। जिंदगी में पहली बार मैंने खुद की वजह से किसी के चेहरे पर खुशी देखी थी, और उसके चेहरे पर खुशी देखकर जो मुझे सुकून महसूस हो रहा था, वो सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं नूर के करीब जाकर बैठ गया और उससे उसका हालचाल पूछने लगा, तो वो मुझे कहने लगी कि आपके आने से सब कुछ ठीक हो गया है। फिर हमने बहुत सी बातें की, और कुछ देर बाद मैंने नूर से कहा कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। नूर ने जब ये सुना तो पता नहीं उसकी हंसी अचानक से कहाँ चली गई, उसके हाथ पांव कांपने लगे और आंखें नम हो गईं। मैंने नूर की हालत देखते हुए अपने दोस्त को कॉल की और उसे कहा कि तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। इतना सुनते ही नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से वापस आ गई। मैं और नूर 2 दिन तक अस्पताल में रहे। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। हमने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। 2 दिन बाद नूर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर हमारी फ़ोन पर दिन रात बातें होने लगी और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। वो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मैं भी नशा मुकम्मल तौर पर छोड़ चुका था। यहाँ तक कि हमारी शादी के लिए हमारी फैमिलीज भी रजामंद हो चुकी थी। ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था कि अचानक एक खबर ने मेरी दुनिया ही ला कर रख दी। मुझे पता चला कि नूर की बहन की मौत हो गई। ये खबर मिलते ही मैं नूर के घर पहुंच गया। वहां पहुंच कर पता चला कि नूर की बहन ने प्यार में धोखा खाने के बाद खुदकुशी कर ली, और नूर को फिर से वही दिमागी मर्ज का अटैक आया। नूर को अस्पताल में फिर से एडमिट कर दिया गया। वहाँ नूर के दिमाग की शरियान फटने से नूर को ब्रेन हेमरेज हो गया, और 6 दिन बाद नूर की भी मौत हो गई।